हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। लॉकडाउन का समय चल रहा है, मार्केट का खाना खाने का तो बहुत ही मन करता है, और इवन स्पेशली डोसा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि डोसा तो हमारे घर में बन ही नहीं सकता। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि डोसा हम लोग मार्केट जैसा घर में किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा डोसे का बैटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने उड़द दाल, पोहा, मेथी दाना और चावल, इन सबको धो लिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे पानी और इसको रात भर हम लोग भीगने के लिए रख देंगे। और इसके बाद जब ये भीग जाएगा तब हम लोग जो इसका पानी है उसको हटा देंगे इसमें से। और डोसे का बैटर किस तरीके से बनाते हैं इसकी डिटेल रेसिपी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो सब भीग गया है, अब हम लोग इसको अच्छे से महीन पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो चावल है बहुत पतला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने चावल पीसा, इसी तरीके से जो दाल है उसको भी हम लोग पीस लेंगे। तो इसको भी हमको बिल्कुल महीन पीसना है, और जब दोनों चीज़ अच्छे से पीस जाएगी तो हम लोग उसको एक ही बर्तन में डाल देंगे और उसके बाद उसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम लोग को करीब 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है, और उसके बाद हम उसको 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें खमीर उठ जाए। तो चलिए देखते हैं कि 6 से 7 घंटे, आपने देखा कि इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। तो अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अगर हमको लगता है कि जो बैटर है थोड़ा सा गाढ़ा है तो हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और उसको डाल के इसमें हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हमको जितना बैटर अभी यूज़ करना है उतने में ही हम इसमें नमक डालेंगे। मुझे अभी पूरा बैटर का डोसा बनाना, तो इसलिए मैं पूरे बैटर का डाल रही हूँ। अगर आपको अभी नहीं बनाना है तुरंत, तो जितने बनाना उतना निकाल लीजिए, उसमें नमक मिलाइए, और बाकी के बैटर को हम लोग फ्रिज में रख देंगे। तो ये बैटर तो तैयार हो गया है। अब दूसरा चीज़ डोसे में चाहिए होता है आलू। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई में डालेंगे तेल, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा सरसों के दाने, और जब ये अच्छे से चटकने लगेगा तब हम लोग डालेंगे करी पत्ता, और उसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग भून लेते हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और इसको भी इसमें डाल के अच्छे से हम लोग इसको भून लेते हैं। और इसके साथ ही थोड़ा सा डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, अगर हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब प्याज को हम लोग भून जाने देते हैं, और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और हरा मटर। हरा मटर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हरा मटर है तो उसको डालिए, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और उसके साथ ही हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और जब ये टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाएगा तब हम लोग इसमें मिला देंगे आलू। यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल करके उसको छील लिया है और उसको हल्का सा मैश कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग आपस में अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और इसके साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमाउंट में बिल्कुल अमचूर पाउडर, और इन सबको अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पानी, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। पानी हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि जैसे आप लोग मार्केट में देखते हैं आलू बिल्कुल अच्छे से फैल जाता है डोसे में, तो बस उसी की थोड़ा सा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा देर आलू रखने के बाद हल्का सा ड्राई हो जाता है। तो और सबसे आखिरी में इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा भुनी हुई मूंगफली, जिसका मैंने छिलका निकाल लिया है, उसको भी हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल का डोसे में भरने वाला आलू अब हमारा तैयार हो चुका है। तो सबसे लास्ट में इसमें हम लोग डालेंगे हरा धनिया, इसको भी डाल के हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको अब हम लोग रख देते हैं साइड में। और डोसे के साथ खाने के लिए सांभर और चटनी भी मैंने बना लिया है, और उसका वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हम लोग डोसा। तो डोसा बनाने के लिए कुछ बहुत ही सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट टिप्स होती हैं। सबसे पहले जो तवा है उसको हमको बहुत अच्छे से गर्म करना है,
और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद हम लोग उसमें डालेंगे पानी, और पानी डाल के हम लोग इसको कपड़े से पोंछ देते हैं। ये प्रोसेस हमने स्टेप हम लोग ने क्यों की, अब हमने तवा को ठंडा कर दिया और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे एक चम्मच डोसे का बैटर और उसको इस तरीके से हम लोग घुमाते हुए इसको हम लोग पूरे तवे में फैला देंगे। वैसे तो ये स्टेप बहुत इजी है बनाना, बट जब भी अगर हम लोग पहली बार डोसा बनाते हैं तो हो सकता है कि वो पहली बार में हमारा अच्छा नहीं बने, बट आप जब दो तीन डोसा ट्राई करेंगे तो उसके बाद वो डेफिनेटली अच्छा बनने लगेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि डोसे की जो ऊपर की लेयर है वो थोड़ी सी सूख गई है, तो हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तेल। तेल अगर तेल या बटर, हम लोग दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसको हम लोग बिल्कुल सेकेंगे, बिल्कुल धीमी आँच में। तेज आँच में सेकने से डोसा है वो हमारा जल जाएगा और ऊपर से अच्छा सा सिकेगा भी नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग बिल्कुल धीमी आँच में इसको हम लोग सेकेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो नीचे की लेयर है वो कितनी लाल हो गई है, तो अब इट मीन्स जो डोसा है वो हमारा सिक चुका है। अब हम लोग इसको इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग करके इसको निकाल लेते हैं। तो जो ये डोसा थोड़ा सा गर्म है, मेरे हाथ में जल रहा है, इसलिए मैंने दोनों एक स्पून का यूज़ किया है। तो ये हमारा हो गया प्लेन डोसा, बन के तैयार है। अब इसी तरीके से हम लोग सेकेंड डोसा भी बना लेते हैं। जो तवा है वो हमारा अच्छे से गर्म है, अब हम लोग इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको हम लोग एक कपड़े से पोंछ देंगे ताकि जो हमारा तवा है वो ठंडा हो जाए, और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे एक चम्मच बैटर और इसको इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए हम लोग इस पे एक पतला सा डोसा बना के तैयार कर देंगे। तो आपने देखा है ना, इजी। और जब यह ऊपर से हल्का सा सूख जाएगा तब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे तेल या बटर। तो पहला जो डोसा है उसमें मैंने लगाया था तेल और इसमें हम लोग बटर अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरीके से एक कलछुल में बटर लेके उसको हम लोग पूरे डोसे में फैला देते हैं। तो ये हमारा हो गया बटरी डोसा। तो इसको पूरे में फैला के इसमें बीच में हम लोग रख देंगे आलू, और जब हल्का सा हमको साइड से लाल दिखने लगेगा डोसा, इट मीन जो डोसा है वो हमारा सेक के तैयार है। और इसको हम लोग अब तवे से उतार लेते हैं। तो ये हमारा गर्मा गर्म डोसा खाने के लिए तैयार है। जैसे कि मैंने बताया था, सांभर और चटनी मैंने ऑलरेडी बना के तैयार कर लिया है। तो ये हो गया हमारा मार्केट स्टाइल का इंस्टेंट क्रिस्पी डोसा। इसको आप सांभर और चटनी के साथ चाय खाइए। तो इन तीनों चीज़ों की रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोग को ये मेरे डोसे की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।